ये गीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी के परंपरा की झलक संजोए लोक गीत हमारी माटी के कुछ आंसू हैं, कुछ खुशियां हैं, कुछ मौसम हैं, मन बतिया हैं, मेले भी हैं और नदियां हैं, कुछ झूले हैं, अंगनियां हैं, पूजा भी है, त्योहार भी है, ये माटी का आधार भी है, ये अपनी धरोहर गाती है, लोक रंग से धरा सजाती है, ये अपनी विरासत अनुपम है, स्वर संपदा ये सर्वोत्तम है। आओ इस पर अभिमान करें, इन गीतों का रसपान करें, लोकगीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी के धरती के गीत। धरती के गीत श्रोताओं असीम का नमस्कार। आज फिर शुरू करते हैं अपनी उस यात्रा को उसी पड़ाव से जहां पर कल हमने इसे विराम दिया था। हम थे घोसी समुदाय के लोक गीतों के साथ, मौला घोसियान रामपुर में निवास करने वाली घोसी बिरादरी के गीत। अपने संस्कारों को इन्होंने लोक गीतों के जरिए सहेज कर रखा है। हालांकि अब रिवाज बहुत कम हो गया है इन गीतों को गाने का, लेकिन जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उन्होंने आज भी इस परंपरा को बरकरार रखा है। गाहे बगाहे शादी के अवसर पर, किसी भी खुशी के मौके पर ये गीत आज भी सुनने को मिल जाते हैं। भात गीतों का अपना एक अलग ही आनंद है। भाई बहन के प्यार को अभिव्यक्त करते हैं ये भात गीत। इस गीत में भैया को बड़ी तारीफ मिल रही है। बहन पूरे गांव को बड़े जोश खरोश के साथ बताती है कि उसके भैया और भाभी भात के लिए कितना सारा सामान लेकर आए हैं। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं है। भात देने के लिए भाई सज धज कर गाजे बाजे के साथ रथ पर सवार होकर जो आया है। जाने
ये गीत भी एक विवाह गीत है। भात के अवसर पर इसे गाया जाता है। दूल्हा और दुल्हन दोनों ही के घर में भात की रस्म जब होती है तब महिलाएं मिलकर इस गीत को गाती हैं। अनुरोध करती हैं अपने भाई से कि वो पानी पीकर जरूर जाए, लेकिन एक भाव और छुपा है इस अनुरोध के पीछे। भाई से कुछ निशानी के तौर पर भी वो मांगती हैं और भाई भी अपनी बहन को निराश नहीं करता। वादा करता है कि बहन जो चाहती है वो उसे देगा। घर में शादी हो, हल्की सी रिमझिम फुहार हो तो आनंद और अधिक बढ़ जाता है। इस लोकगीत को तब गाया जाता है जब विवाह का मौसम होता है और घर में शादी का मौका है। रिमझिम फुहार पड़ रही है, जंगल में हरियाली है, बागों में झूले पड़े हैं, तब बन्ना और बन्नी एक दूजे के लिए ये गीत गाते हैं। मैं
इस संस्कार गीत में विवाह का वर्णन है। बागों में आम पक रहे हैं, बागों की रखवाली भी की जा रही है। ऐसे में कुछ शरारती लड़कियां अमिया की तरफ देख रही हैं। कुछ औरतें हैं जो उन लड़कियों को समझा रही हैं कि इस बाग की तरफ मत जाना, माली की नजर तुम पर ही रहेगी। कुछ यही भाव हैं इस बन्नी गीत के। जब जब विदाई का मौका आता है, सभी का मन भर आता है। दुल्हन के माता पिता भाई बहन की हालत देखी नहीं जाती। किस तरह से एक बेटी जो इतने साल उनके साथ रही, एक घर को छोड़कर अपने नए घर चली जाएगी। इस लोकगीत में बेटी अपने पिता से कहती है कि बाबुल, मुझे अपने घर से जुदा क्यों कर रहे हो? मेरे लिए तो अच्छा है ये घर जैसा भी है, लेकिन बाबुल की भी विवशता है। उसे जमाने की रीत निभानी है, अपनी बेटी को विदा करना है। वो कहता है कि जा बेटी, तेरा असली घर तो तेरा ससुराल ही है, जहां तुझे जाना ही है। बेटी तुम्हें गुनहार।
घोसी बिरादरी में गाए जाने वाले लोकगीतों में बच्चे के पैदा होने के अवसर पर गाया जाने वाला एक जच्चा गीत सुनिए। इस गीत में सास, नंद, देवर, जेठ सभी का जिक्र है और सभी ने किस किस तरह से अपनी भूमिका निभाई है, जच्चा इसका बखूबी वर्णन करती है। तो श्रोताओं, ये थे वो लोकगीत जो हमने सहेजे मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरायगेट रामपुर में रहने वाली मुस्लिम समुदाय की घोसी बिरादरी के कल्लो बेगम, शबाना, कमर जहां, नन्नी और सकीना के स्वर में। हमारी इस लोक यात्रा का पड़ाव आज इसी स्थान पर। कल यहीं से पुनः आरंभ करेंगे यात्रा का अगला चरण। असीम आपके साथ रहेगा। आज आज्ञा दीजिए। नमस्कार।